हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब तक हमने इस वीडियो सीरीज के कुल 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का 12th लेक्चर देख रहे हो। हमने प्रीवियसली जो वीडियो इसका कंप्लीट किया था उसमें अंदर हमने देखा कि एक आइसोलेटेड स्क्वायर स्लोप फुटिंग के अंदर अगर पेडेस्टल हो साथ में तो कैसे उसको डिजाइन किया जाता है, और एक विदाउट पेडेस्टल और विद पेडेस्टल, इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आईएस कोड क्या कहता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि पिछले लेक्चर्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। उन सभी लेक्चर्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, या फिर अगर आप YouTube की एड से परेशान हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आप इन सभी वीडियोस को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी और गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। मेन टॉपिक आज का हमारा ये रहेगा कि आज इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे और ये जानेंगे कि एक आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर स्लोप्ड फुटिंग को कैसे डिजाइन किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स से होकर हमें गुजरना होता है, आईएस कोड इस फुटिंग की डिजाइन के ऊपर क्या कहता है और हमारा कैलकुलेशन का तरीका इसमें क्या होता है। ये सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में शुरू करेंगे बहुत ही सिंपल और साधारण अंदाज में। तो आप लोग अगर इसको समझना चाहते हो पहले से आखिर तक, तो इस वीडियो को बिना किसी स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए बात करते हैं हमारे रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में। अब तक तो हमने इस वीडियो सीरीज के अंदर स्क्वायर फुटिंग की काफी चर्चाएं कर ली। स्क्वायर फुटिंग के अंदर हमने काफी फुटिंग्स इसके अंदर जो है डिजाइन कर ली है कि कैसे कैसे हम इसके डायमेंशन को तय करते हैं, मोमेंट कैसे निकालते हैं, रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिंग कैसे देते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, और वन वे शियर, टू वे शियर, ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग, ये सारी चीजें हमने अब तक जो है हमारे स्क्वायर फुटिंग के लिए देख ली थी। लेकिन अब बारी आती है रेक्टेंगुलर फुटिंग, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फुटिंग नाउअडेज। अब ये रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कहां पर, मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। देखिए हमारे पास रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर जो डायमेंशन होते हैं, मैं आपको पिक्चर की मदद से बताता हूं। यहां पर ये हमारे पास मान लीजिए कि एक स्क्वायर फुटिंग है जिसके अंदर स्क्वायर कॉलम है, इसका ये डायमेंशन, इसके चारों डायमेंशन जो है वो सेम होते हैं, इसलिए इनके डायमेंशन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बिकॉज द ऑल द साइड्स ऑफ दिस काइंड ऑफ फुटिंग आर इक्वल। लेकिन हमारे पास जब हम बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में, तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर होता क्या है कि इसकी ये दो डायरेक्शन और ये दोनों अलग अलग होती है, मतलब ये अलग होगी और ये अलग, मतलब ये दोनों एक होगी सेम एक जैसी और ये दोनों एक जैसी। तो ये हम इसको अगर एक्सिस के माध्यम से कहें तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के डायमेंशन जो होते हैं इसके अंदर फुटिंग में, रेक्टेंगुलर फुटिंग में, वो अलग अलग होंगे, वेरस स्क्वायर में वो दोनों सेम होते हैं। अब ये जब दोनों एक्सिस के डायमेंशन अलग अलग हो जाते हैं तो काफी सारे चेंजेस इस फुटिंग के कैलकुलेशन के अंदर आ जाते हैं एज कंपेयर टू द स्क्वायर फुटिंग, और वो क्या चेंजेस होते हैं वो हम आज इस वीडियो में एक डिजाइन के मदद से समझेंगे कि कैसे हम इन सब चीजों का कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम किसी रेक्टेंगुलर फुटिंग को डिजाइन करते हैं तो हमारे स्टेप्स का सीक्वेंस क्या होता है, हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना होता है, ठीक है। आपको एक रोड मैप में दे देता हूं। सबसे पहला स्टेप हम अगर इस फुटिंग का देखें तो वो होता है हमारे पास साइज ऑफ फुटिंग। हमें जो भी फुटिंग का डेटा दे रखा होता है उसके आधार पर हमें एक साइज ऑफ फुटिंग यहाँ पर तय करनी होती है कि भाई इसका एक्स एक्सिस में क्या डायमेंशन होगा, इसका वाई एक्सिस में क्या डायमेंशन होगा, ठीक है, और डेप्थ वगैरह भी हमें निकालनी होती है आगे। उसके बाद दूसरा इसके अंदर होगा मोमेंट कैलकुलेशन। मोमेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, मोमेंट कैलकुलेट कर लिया आपने, फिर आप मोमेंट के अंदर भी इसमें, क्योंकि दोनों एक्सिस अलग है, एम यू एक्स अलग होगा, एम यू वाई अलग होगा, एम यू एक्स अलग हुआ तो एम उसके लिए जो पीटी होगा परसेंटेज ऑफ स्टील वो भी अलग होगा, एम यू एक्स के लिए अलग होगा, एम यू वाई के लिए अलग होगा। तो ये सारे आगे जो भी डिफरेंसेस होंगे वो हम विद कैलकुलेशन देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका कि भाई आपके पास रोड मैप क्या होगा इसका। तो मोमेंट कैलकुलेट करना है आपको, उसके बाद मोमेंट के बाद आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है,
रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पर इसके अंदर स्पेसिंग दे दीजिए, रेनफोर्समेंट जो आपने दिया उसकी स्पेसिंग दे दीजिए। स्पेसिंग देने के बाद आप यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लीजिए कि वो वहां पर इनफ जगह है या नहीं, या कितनी डेवलपमेंट लेंथ आपको देनी है यहाँ पर, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ देख लीजिए, उसके साथ साथ आप एंकरेज लेंथ वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, एंकरेज लेंथ वगैरह भी देख लीजिए, डेवलपमेंट लेंथ देख लीजिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद होता है वो होता है हमारे पास सिंपली वन वे शियर चेक। वन वे शियर चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा इसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा टू वे शियर चेक कर लीजिए, टू वे शियर चेक कर लीजिए, ठीक है। और आठवां जो स्टेप होता है हमारा लोड ट्रांसफर, लोड ट्रांसफर फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग सेफली हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे कुल मिला के स्टेप्स होते हैं जब हम किसी फुटिंग को या रेक्टेंगुलर फुटिंग को डिजाइन करते हैं। इन सभी स्टेप्स से होकर आपको गुजरना होता है वन बाय वन। कैलकुलेशंस के तौर पर हम आगे एक डिजाइन देखेंगे इसकी, समझेंगे इसी लेक्चर के अंदर कि क्या क्या करना होता है इन डिटेल, ठीक है। तो ये हमारे पास मोटा मोटी स्टेप्स है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपने माइंड में इसको अच्छी तरह से क्लिक कर लीजिए, इसको फिट कर लीजिए कि इन इन स्टेप्स से होकर हमें आगे गुजरना होगा। और एक आखिर में ये भी हम देखेंगे, ये हम कह सकते हैं कि आखिर में ये देखेंगे भाई जो हमारे डोवेल बार्स की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो डोवेल बार्स की रिक्वायरमेंट, चलिए मैं आपको यहाँ बताऊँ डोवेल बार्स की लेंथ कितनी होगी और वो फुटिंग में कितने जाएंगे और कॉलम के साथ कितने होंगे, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और एक इसमें टेंथ स्टेप ये हो सकता है कि भाई वेट, वेट ऑफ फुटिंग हम क्या होगा हमारा, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें वो है जो हमने इससे पहले, ये दो स्टेप जो है, ये दो स्टेप जो है हमने इससे पहले किसी लेक्चर में डिस्कस नहीं किए और कुछ लोगों की कमेंट मैंने देखी तो मुझे लगा कि अब ये दो स्टेप्स भी हमें इसमें इंक्लूड कर लेने चाहिए, ठीक है। मुझे लगा था कि ये सारे कॉमन से स्टेप है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप लोग इसको कर लोगे या फिर जरूरत पड़े तो आप इसको समझ लोगे, लेकिन कुछ लोगों की मुझे डिमांड आ रही थी कि इन सब स्टेप्स को भी आप अंदर इंक्लूड करिए, तो हमने इसको इंटेंशनली यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। बेसिकली डोवेल बार्स की लेंथ कितनी होगी और उसका प्रोविजन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन कितना उसको एक्सटेंड करना है आपके कॉलम के साथ, कॉलम्स के बार्स के साथ, और कितना वो एक्सटेंड होगा हमारे यू नो फुटिंग के अंदर, ये हम देखेंगे डोवेल बार। उसके बाद वेट ऑफ फुटिंग, तो वेट ऑफ फुटिंग भी एक सिंपल सा टॉपिक है, वो आगे एट द एंड ऑफ डिजाइन देखेंगे। तो बेसिकली ये 10 स्टेप है आपके पास मोटा माटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं और एक एक स्टेप्स के अंदर हम यहाँ पर अब डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे इनके अंदर कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, फुटिंग डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा होना पहले जरूरी होता है कि भाई जो सुपर स्ट्रक्चर का जो ऊपर से लोड आ रहा है ना, वहां वो लोड हमें पहले कैलकुलेट करना होता है। उस लोड के आधार पर, उस लोड के बेसिस पर हम हमारी फुटिंग को डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास कुछ डेटा उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि भाई फुटिंग हम कैसे डिजाइन करेंगे। देखिए, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने पहले एक सुपर स्ट्रक्चर का लोड ऊपर से जो आ रहा है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो उसके लिए हम एक कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे। कॉलम हमने डिजाइन कर लिया है, बस हमें फुटिंग डिजाइन करना है। वी आर गोइंग टू डिजाइन द फुटिंग ओनली, कॉलम हमने डिजाइन कर लिया है। तो कॉलम जो डिजाइन किया है, मान लीजिए कि जो आरसीसी कॉलम हमने लिया है, डिजाइन किया है, वो 250x750 का है, एमएम, ठीक है, एमएम, ये 250x750 का एक आरसीसी रेक्टेंगुलर कॉलम हमारे पास है। इस कॉलम के अंदर या इस कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर का, वो 2000 किलो न्यूटन का है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक लोड है, ये फैक्टर लोड नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक लोड है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो आरसीसी कॉलम हमारे पास है 250x750 mm का और यहाँ पर 2000 किलो न्यूटन का उसके अंदर लोड आ रहा है। इस आरसीसी कॉलम में हमने जो बार्स प्रोवाइड किए गए हैं, किए हैं हमने, वो 25 mm के हैं, 25 mm डायमीटर के बार है, और कितने बार हमने दिए हैं इसके अंदर, 10 बार्स, ठीक है, 25 mm डायमीटर के 10 बार इस कॉलम में हमने प्रोवाइड किए हैं। इस कॉलम में जो कॉन्क्रीट यूज किया गया है वो M30 ग्रेड का यूज किया गया है, ठीक है। ये तो हमारे कॉलम का डेटा हो गया कि भाई कॉलम के अंदर ये इसका साइज है, ये उसके अंदर लोड है, ये उसके अंदर रेनफोर्समेंट है और ये उसका कॉन्क्रीट है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारे फुटिंग के बारे में। देखो, फुटिंग के अंदर भी हमें क्या मालूमात होनी चाहिए, एक तो ये कि जिस जगह, जिस सॉइल में हम फुटिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उस सॉइल की अलाउेबल बेरिंग प्रेशर कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमारे पास एक सॉइल इन्वेस्टिगेशन, हमने रिपोर्ट निकाला था उसका, मान लीजिए, लेट सपोज, ठीक है,
तो हमारे पास अलाउबल बेयरिंग प्रेशर जो उसका सॉइल का है वो 220 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, हम मान लेते हैं ठीक है कि भाई 220 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एबीपी है सॉइल का प्रेशर बेयरिंग के। अब इसके अंदर हमने ये देख लिया हमारी फुटिंग जो है, फुटिंग के अंदर जो हमें कॉन्क्रीट यूज करना है वो भी हमें रिकमेंड किया गया कि भाई वो M20 होना चाहिए। मैं फुटिंग की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो M20 फुटिंग ग्रेड होना चाहिए कंक्रीट के अंदर। और इसमें जो बार्स इस्तेमाल होंगे वो HYSD, जिसको फुल फॉर्म पता है कमेंट करके बताइएगा जरा जी, ठीक है, तो HYSD के बार्स होना चाहिए, FE इसके अंदर 415 यूज होना चाहिए। तो ये डेटा कुल मिला के हमारे पास हमें दे रखा है, और इसी डेटा के मद्देनजर, इसी डेटा को ध्यान में रखते हुए हमें एक बढ़िया सी रेक्टेंगुलर, मैं लिख देता हूं यहां पर रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग डिजाइन करनी है, ठीक है। ये हमें बेसिकली सवाल दिया है कि डिजाइन रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग, बात समझ में आ गई, ये सवाल है, ये डेटा है, और इसी डेटा के आधार पे अब हमें डिजाइन करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे डिजाइन की ओर, आगे बढ़ते हैं और डिजाइन में देखते हैं पहले हमें क्या करना होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक एक लाइक हमारे लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, मायने रखता है। चलिए तो सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते, ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और यहां पर आपको बॉटम में लाइन में जो है हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स दे रखे हैं, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास साइज ऑफ फुटिंग, जिसकी हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की कि भाई साइज ऑफ फुटिंग हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी। अब साइज ऑफ फुटिंग में कैलकुलेट करने के लिए होता क्या है बेसिकली, तो देखो साइज ऑफ फुटिंग डिसाइड की जाती है एरिया रिक्वायर्ड ऑफ फुटिंग के लिए, मतलब आपका जो भी फुटिंग का एरिया है वो रिक्वायर्ड कितना है, और उसी के आधार पर हम बाद में उसके डायमेंशन तय करते हैं। तो अब ये एरिया कैसे पता चलेगा हमें, देखो एरिया ऑफ फुटिंग अगर बात करें, एरिया रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग अगर बात करें, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है टोटल लोड ऑन सॉइल डिवाइड बाय अलाउबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ सॉइल। बात समझ में आ रही है, ये एक इक्वेशन है, ये एक फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल करके आप इसके अंदर उसकी साइज को निकाल सकते हो। साइज एक बार आपके पास, मतलब एरिया एक बार आपके पास आ गया, एरिया आने के बाद आप क्या करोगे, एरिया के ऊपर से फिर अंदर कैलकुलेशन करके तिगड़म करके आप उसकी लेंथ और विड्थ को निकालोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब पहला सवाल यह है कि टोटल लोड ऑन सॉइल कैसे निकाला जाए। देखो बड़ी सिंपल चीज है भाई, हमें पता है कि जो लोड ऑन कॉलम है, ठीक है, वो कितना है, 2000 किलो न्यूटन का है। और सॉइल के ऊपर कौन कौन सा लोड ट्रांसफर होगा पहले यह समझ लीजिए। सॉइल के ऊपर दो तरह के लोड ट्रांसफर होंगे, एक तो कॉलम की तरफ से आ रहा है वो लोड, और दूसरा फुटिंग का सेल्फ लोड, सेल्फ वेट हम कह सकते हैं, फुटिंग का सेल्फ वेट। अब कॉलम का लोड तो हमें पता है कि 2000 किलो न्यूटन का है, लेकिन फुटिंग का सेल्फ वेट कितना, तो जनरली मैंने ये प्रीवियस सभी वीडियोस में, सभी लेक्चर्स में ये इस सीरीज के अंदर बताया है कि हम जनरली सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग 8-10% ऑफ कॉलम लोड कंसिडर करते हैं। यहां पर भी आपको वही करना है, 8-10%, आप 8% ले लो, 9% ले लो, 10% ले लो, ये आपकी मर्जी है, हम यहां पर 10% लेके चलते हैं, ठीक है। सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग हम यहां पर 10% लेके चलते हैं, तो हम इसको 200 किलो न्यूटन कह सकते हैं। ये अगर 2000 है तो ये 10% है इसका, इसका 10% है, 200 किलो न्यूटन आपके पास सेल्फ वेट आ जाएगा। अगर हम टोटल लोड अगर देखें, तो अब यही टोटल लोड है जो सॉइल में ट्रांसफर होने वाला है, ये फुटिंग का, आप फुटिंग के नीचे तो डायरेक्ट सॉइल होगा, तो टोटल लोड ऑन सॉइल इज इक्वल टू हो सकता है इनका समेशन, दैट इज इक्वल टू 2200 किलो न्यूटन, मतलब 2200 किलो न्यूटन, 2200 किलो न्यूटन का टोटल लोड है जो सॉइल में ट्रांसफर होगा। तो पहला ये जो हमारे पास ये जो था ये मिल गया, और एबीपी हमें पता है 220 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है ऑलरेडी। चलिए तो हम यहां पर क्या करते हैं, बेसिकली इसको हम यहां पर रख देते हैं, डिवाइड बाय 220 रख दीजिए, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर 10 मीटर स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी आपकी, 10 मीटर स्क्वायर की आपकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 10 मीटर स्क्वायर का एरिया रिक्वायर्ड है इस लोड के मुताबिक हमारी फुटिंग के लिए। ओके,
अब आपके पास एरिया रिक्वायर्ड तो आ गया, अब इस एरिया रिक्वायर्ड के आधार पर ही हम हमारे डायमेंशन को तय कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, चलिए बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं, तो जरा अब ध्यान से देखिएगा मैं आपके क्या आपको करवा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, ठीक है। 10 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड आ गया, एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा जब भी रेक्टेंगुलर फुटिंग की, अब अगर हमारे पास चले मान लीजिए हमारे पास यहां पर स्क्वायर फुटिंग होता, तो स्क्वायर फुटिंग के अंदर इसका अंडर रूट कर लेते हैं हम लोग, तो हमें चारों चार डायमेंशन मिल जाते हैं, बिकॉज चारों चार डायमेंशन एक जैसे होते हैं। लेकिन हमारे पास यहां पर क्या है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है, तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट हम क्या करेंगे मैथमेटिकली जाएंगे और उसके आधार पर हमारे माइंड पे जो बर्डन है उसको कम करते हुए कुछ इक्वेशन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो कॉलम हमारा है वो कितना है, कॉलम हमारे पास 250 बाय 750 एमएम का कॉलम है, ठीक है। और जब भी हम रेक्टेंगुलर फुटिंग को डिजाइन करते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है कि आपकी जो फुटिंग है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है, इसके अंदर ये आपका मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है। तो आपकी जो रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि इसका जो प्रोजेक्शन है, ये जो कॉलम के फेस से, याद रखिएगा कॉलम के फेस से जो आउटर प्रोजेक्शन होता है फुटिंग का, वो हमें जो है चारों तरफ से सेम रखना चाहिए। मतलब क्या है, इधर अगर एक्स है तो इस फेस से यहां पर भी हम एक्स रखेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। तो उस तरह से ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि कॉलम के फेस से जो आउटर प्रोजेक्शन होता है हमारी फुटिंग का, वो हम एक्स रखते हैं, जो कि चारों दिशा में सेम रहेगा, चारों दिशा में प्रोजेक्शन उसका कॉलम फेस से सेम रहेगा, ठीक है। ये हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, चारों दिशा में सेम रखना है। अब मान लीजिए इसको बी हम कह लेते हैं, ये हमारी जो विड्थ है उसको बी कह लेते हैं और जो लेंथ है उसको एल कह लेते हैं, ठीक है। ये उसकी लेंथ हो गई तो उसको एल कह लेते हैं। अब हमारे पास इसको हमें क्या करना है, बी और एल को निकालना है, लेकिन कैसे, हमारे पास कोई क्लू भी तो होना चाहिए। देखो इसके अंदर सिंपल चीज हम ये कर सकते हैं कि अगर बी इसकी विड्थ है, अगर इसकी बी विड्थ है तो इसकी लेंथ हम मान सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस बी प्लस इन दोनों का डिफरेंस बी प्लस इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 750 माइनस 250 इज इक्वल टू 500 एमएम होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 500 एमएम। हम कह सकते हैं कि एल इज इक्वल टू यहां पर होगा बी प्लस 0.5। सिंपल लॉजिक है, मैथमेटिकल। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस यहां पर हो रहा है बी प्लस 0.5, ओके। तो ये एल हमारे पास हो गया, सिंपल, ये हमने बी के फॉर्म में इसको लाया है, ठीक है। अब हम अगर बात करें एरिया क्या होता है, एरिया इज बेसिकली बी इंटू एल इज इक्वल टू एरिया, यही होता है हमारे एरिया का इक्वेशन, ठीक है, सिंपल चीज है। अब इसमें बी तो हमें पता है, मतलब अभी सवाल नोन है भी, लेकिन हमने एल को बी में कन्वर्ट कर रखा है, ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो बी इंटू हम कह सकते हैं कि बी प्लस 0.5 इज इक्वल टू यहां पर एरिया, एरिया में यहां पर 10 रख सकते हैं डायरेक्टली, वी कैन डायरेक्टली पुट 10 ओवर हियर, बट अभी हम आगे रखेंगे, चलो ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, तो यहां पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 0.5b इज इक्वल टू 10। बस समझ, अब ये इक्वेशन मिल गया आपको, इस इक्वेशन को आप आगे सॉल्व कर लीजिए। आप मैथमेटिक्स तो इतना आपको आता ही होगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दीजिए, आपको यहां पर बी की वैल्यू मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, कौन सी वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी, एंड दैट विल बी 2.92 मीटर। देखिए मैं इस इक्वेशन को और ज्यादा डीप में सॉल्व नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा इसके अंदर। सिंपल सी इक्वेशन है, अगर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हो या कर चुके हो, लास्ट सेमेस्टर में हो या जो भी है, मतलब आप इतना लायक तो हो गए आप कि भाई आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाओ और उसमें से बी की वैल्यू निकाल पाओ। दो वैल्यू मिलेगी आपको, उसमें से पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.92। हाँ, अगर ये भी किसी को सॉल्व करना नहीं आता तो बेझिझक कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका, अगला लेक्चर, उसमें मैं ये सारी चीजें कवर कर लूंगा, ठीक है। चलिए, तो बी यहां पर कितना है हमारे पास, 2.92। हम इसको मान लेते हैं कि भाई 2.95, लेट सपोज वी आर कंसिडरिंग बी एज 2.95। अब देखिएगा जरा, बी अगर 2.95 है, दिस अगर ये b 2.95 है, तो हमने क्या कहा था कि भाई b plus 0.5 हो जाएगा, ये l is equal to b plus 0.5 है, तो यहां पर ये कितना होगा 2.95 plus 0.5 which is equal to 3.45। बात समझ में आ रही है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था,
हमने विड्थ भी निकाल ली, हमने लेंथ भी निकाल ली। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को हुआ हो तो मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के पूरी प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ आ गई, उसकी विड्थ आ गई, ये हमारे पास उसके प्लांट डायमेंशन आ गए फुटिंग के अंदर, बड़ी सिंपल तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब बारी आती है उसकी डेप्थ की। डेप्थ आगे बताता हूं आपको क्या होगा, क्योंकि ये मोमेंट के साथ रिलेट करती है। कैसे रिलेट करेगी मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक। तो ये तो हमने निकाल लिया फुटिंग का डायमेंशन कि भाई फुटिंग हमारी कितने बाय कितनी होगी, ठीक है। कॉलम हमारे पास कितना था, हमारे पास बेसिकली कॉलम था ये 250 बाय 750 का, और ये 3.45 मीटर बाय 2.95 मीटर, ये हमारे पास डायमेंशन इसके आ गए। ओके चलिए, तो ये चीजें आ गई। एक्स यहां पर कितना होगा, अभी मैं एक्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जानते हैं जिनको पता है या समझ कैलकुलेट कर सकते, जरा बताइए मुझे कि ये अगर हमारे पास फुटिंग का डायमेंशन है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी वैल्यू, लेकिन अभी आप जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि यहां पर इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये फुटिंग डायमेंशन हो गए, अब बात करते हैं हम लोग मोमेंट कैलकुलेशन के अंदर। देखिए मोमेंट कैलकुलेशन की अगर बात करें तो सिंपल सी चीज है, मोमेंट हम क्या मोमेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नथिंग बट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। लेकिन 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 क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फुटिंग है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है यहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहां पर दो एक्सिस निकल रही है, दोनों एक्सिस अलग अलग है। इसको हम एक्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम वाई वाई मान लेते हैं, लेट सपोज दिस इज वाई वाई, ये हमारा बीच में मान लेते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये एक्सिस हमारे पास है और दोनों ही एक्सिस में जो डायमेंशन है अलग अलग है, और मोमेंट हमें दोनों एक्सिस पे निकालनी होगी, एम एक्स पे निकालनी होगी, एम वाई पे निकालनी होगी, लेकिन यहां पर दोनों ही अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग निकालनी पड़ेगी। चलिए तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला है यहां पर, ये कॉमन फॉर्मूला, हम क्या करेंगे, एम यू एक्स पहले निकालेंगे, उसके बाद एम यू वाई निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, ये दो मोमेंट हमें निकालनी है, इन दोनों मोमेंट के बेसिस पर हमारी पीटी आएगी। ओके, इन दोनों पीटी के बेसिस पर हम फिर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए तो हम पहले बात करते हैं मोमेंट की। तो एमयू एक्स की अगर बात करें हम लोग, तो एमयू एक्स के अंदर अगर हम बात करें एमयू एक्स की, तो एमयू एक्स के अंदर डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर बाई टू ये फॉर्मूला होगा। अब ये डब्ल्यू क्या होगा, तो डब्ल्यू इज नथिंग बट आपकी ये अगर हम बात करें ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये अगर एक्स डायरेक्शन है आपका, एक्स ये आपकी एक्सिस है, हम यहां पर इस एक्सिस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर W क्या होगा, तो भाई यहां से लेकर ये जो कॉलम फेस है आपका, ये जो कॉलम फेस है आप, इस कॉलम फेस से इस पोर्शन के ऊपर जो नेट अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, इस पोर्शन के ऊपर जो नेट अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो यहां पर होगा हमारे पास W टोटल, वो कितना होगा। इसलिए हमें पहले तो ये निकालना होगा कि नेट अपवर्ड प्रेशर कितना, हमें पहले ये निकालना होगा कि इस फुटिंग के अंदर बॉटम से जो नेट अपवर्ड प्रेशर सॉइल का लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो देखिए नेट अपवर्ड प्रेशर की अगर बात करूं मैं, नेट अपवर्ड प्रेशर विच इज इक्वल टू कितना होगा, तो टोटल फैक्टर्ड लोड, हम कह सकते हैं कि कॉलम लोड, कॉलम लोड जो कि फैक्टर होना चाहिए आपका, ठीक है, फैक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग, ये इसका नेट अपवर्ड प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एक सवाल यहां पर आपके माइंड में ये क्लिक कर सकता है कि सर यहां पर आपने कॉलम लोड ही क्यों लिया, हमने यहां पर फुटिंग का सेल्फ वेट कंसीडर क्यों नहीं किया। तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत वीडियोस में दे दिया है, पहले पिछले हमारे जितने भी वीडियो चले उसमें कई बार मैंने इसके एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो फुटिंग का सेल्फ वेट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, एंड फॉर सेक ऑफ दैट हम उसको यहां पर कंसिडर नहीं करते। और ये जो मैंने अभी आपको वर्बली कहा है, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके मैनुअली कैलकुलेशन करके बताया भी है कि कैसे वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप पिछले वीडियोस को अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यही सोचते हुए कि आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा या आप देखोगे उसको। तो कॉलम लोड यहाँ पर है डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग है। कॉलम लोड कितना है हमारे पास, अगर हम बात करें कॉलम लोड की, तो कॉलम लोड हमारे पास हमें पता है कि 2000 किलो न्यूटन का है, लेकिन अगर इसको फैक्टर्ड करें तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, विच विल बी इक्वल टू 3000 किलो न्यूटन। सिंपल कैलकुलेशन है 3000 किलो न्यूटन, तो यहां पर रख दीजिए भाई 3000 डिवाइड बाय जो हमारा एरिया ऑफ फुटिंग था, एरिया ऑफ फुटिंग कितना था हमारे पास 2.95 इंटू 3.45। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो नेट अपवर्ड प्रेशर निकल कर आएगा वो आएगा 294.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 298.4
यस हाँ सॉरी 294.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये आपके पास आपका नेट अपवर्ड प्रेशर आ गया। ये पूरी फुटिंग के ऊपर मैं कह रहा हूं, ठीक है, बॉटम का जो उसका बेस एरिया है उस बेस एरिया पे पूरी फुटिंग पे इसका जो नेट अपवर्ड प्रेशर होगा सॉइल का वो हमारे पास आ गया। लेकिन हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारे मोमेंट का वो तो केवल इसी स्ट्रिप पे कर रहे हैं, वो केवल इसी स्ट्रिप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेसिकली, ये जो टोटल अपवर्ड प्रेशर है इनटू ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो हमारे पास, ये स्ट्रिप कितनी है 2.95 है, बात समझ में आ रहा है आपको, ये कितनी है 2.95 है। तो ये स्ट्रिप के ऊपर अब देखिए मोमेंट की अगर बात करो, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको लिखा होगा। चलिए तो W यहां पर बेसिकली क्या होगा, बेसिक अब मैं W की बात कर रहा हूं, ठीक है, W इज इक्वल टू हमारे पास जो टोटल लोड था 294.8, ये टोटल अपवर्ड प्रेशर था, सॉरी टोटल अपवर्ड प्रेशर था ये, जी हाँ, इनटू ये जो स्ट्रिप है हमारी वो कितनी होगी यहां पर 2.94 होगी, 2.95 होगी, ये W आ गया भाई साहब, बात समझ में आ रही, ये W आ जाएगा। और L क्या होगा यहां पर, देखो L अगर बात करें हम लोग तो ये कितने पोर्शन पे लग रहा है, ये कितने पोर्शन पे लग रहा है, तो बेसिकली ये हमारा X था जो हर दिशा में कॉलम के फेस से सेम रहेगा, तो X कितना है, अभी मैंने आपको जो सवाल पूछा था अब उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, X कितना होगा। चलिए तो देखिए यहां पर हमें पता है कि ये जो पूरा डायमेंशन है, चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा डायमेंशन है ये 3.45 का है ना, 3.45 मीटर का है, 3.45 मीटर का है, उसमें से 750 है, हम कह सकते हैं कि 3.45 है ना, 3.45 माइनस 0.75, ये आपको जो कैलकुलेशन इसका देगा, मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, 3.45 माइनस 0.75 इट इज इक्वल टू 2.7, ये 2.7 क्या है, ये और ये दोनों एरिया मिलाकर 2.7 है, हमने ये बीच वाले मिडल पोर्शन को माइनस किया है, कॉलम की विड्थ को माइनस किया है, ठीक है, तो ये 2.7 आ रहा है। अब 2.7 तो दोनों है, हमें एक ही स्ट्रिप की ये चाहिए थी, तो ये कितना होगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए इसको, तो 1.35 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1.35 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो x की वैल्यू है ये 1.35 है। अब हर दिशा में मतलब कॉलम के फेस से चारों तरफ जो भी x की वैल्यू है वो सेम है, मतलब 1.35 है, अगर इसकी बात करें तो ये भी 1.35 है, और अगर इसकी बात करें तो ये भी 1.35 है, बिकॉज हमने पहले ये कंसिडर किया था कि x विल बी सेम ऑन दी फोर साइड ऑफ द कॉलम, ओके, जो प्रोजेक्शन होगा उसका वो, ओके, तो 1.35 है, तो सिंपल सी चीज है, एल आपके 1.35 हो जाएगा, ओके, तो बस ये सारी चीजें यहां पर रख दीजिए आप लोग, अगर बात करें हम लोग तो 294.8 into 2.95 ये आपका W हो गया, इंटू एल आपका हो जाएगा 1.35 का होल स्क्वायर या स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे अपने कैलकुलेटर के अंदर तो आपकी जो MUX की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास होगी, MUX की वैल्यू 792.48, क्या हो जाएगा 792.48 किलो न्यूटन इनटू मीटर, सिंपल सी चीज है। हमने क्या किया, मोमेंट ऑन एक्स एक्सिस निकाल ली, बात समझ में आ रही है, मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हमने निकाल ली। अब ये तो मोमेंट हमने निकाल ली यहां पर भाई, अब इस मोमेंट के अकॉर्डिंगली हमें डेप्थ निकालनी होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग जो डेप्थ या इफेक्टिव डेप्थ होगी जो भी वो हमें, या फिर इस फुटिंग के लिए जो रिक्वायर्ड डेप्थ होगी, बैलेंसिंग डेप्थ हम कैसे कह सकते हैं फुटिंग के लिए, वो कैलकुलेट करनी होगी। और वो डेप्थ हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए SP16 का पेज नंबर 10 आप देखोगे, अगर SP16 का पेज नंबर 10, वहां से एक रिलेशन हमें लेना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट MU इज इक्वल टू 0.138 FCK इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, ये एक रिलेशन वहां पे दे रखा है टेबल के अंदर बाकायदा, ठीक है, ये है MU लिमिट हम उसको कह सकते हैं, ये 0.138 जो ये फैक्टर है ना ये वहां पर वेरी कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड ऑफ स्टील, हमारे पास 415 है तो 0.138 आएगा, FC के मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, आई होप यू नो, और बी हमारे पास जो रेजिस्टिंग विड्थ है, और ये डी जो हमारे हमें निकालना है, अभी डी हमें पता नहीं है, ओके, अब रेजिस्टिंग विड्थ कितनी होगी ये बी हमें जरा देखना है, इसके ऊपर भी बात करते हैं अभी, ओके चलिए, तो अब यहां पर हाँ ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, डी को सब्जेक्ट बनाना है,
डी को हमें क्या करना है, बेसिकली डी को सब्जेक्ट बनाना है और डी को सब्जेक्ट बनाकर इन सारी चीजों को अंदर वैल्यू रख के हमें डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो हम जरा डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए सारी चीजें रफ कर देता हूं मैं ताकि कैलकुलेशन हम साफ सुथरे तरीके से कर सकें बिना किसी कंफ्यूजन। चलिए अब देखिए, अगर मैं आपको पहले मोमेंट की बात करूं तो mu हमारे पास है, mu x की अगर बात करें हम लोग तो mu x हम जो हमने अभी निकाला 792.48 किलो न्यूटन इनटू मीटर, ये तो mu x हमारे पास है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। अब fc की हमारे पास है विच इज इक्वल टू 20 और b की वैल्यू कितनी होगी, b इज नथिंग बट द रेजिस्टिंग सेक्शन, ठीक है, और रेजिस्टिंग विड्थ जो होगी इसकी कितनी होगी। तो देखिए हमें पता है हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमारा जो कॉलम है वो ये कॉलम 250 का है, ठीक है, यहां से, और हम क्या करते हैं ये यहां से इस तरह से प्रोजेक्ट करके बाद में स्लोप निकालते हैं। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होती है, यहां तक की विड्थ होती है, इसको हम बी कहते हैं, विच इज द रेजिस्टिंग विड्थ ऑफ द सेक्शन, सही है। तो अब ये विड्थ कितनी होगी, बेसिकली यही होता है बी, ये विड्थ कितनी होगी। तो बहुत सिंपल चीज है, हमें बताया कि हम क्या करते हैं ये जो हमने प्रोजेक्शन छोटे से बाहर निकाले ये कितने निकाले जाते हैं और क्यों निकाले जाते हैं। तो देखियो ये हम बेसिकली इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम जब कॉलम कास्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें फॉर्मवर्क वगैरह लगाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये स्पेस रखी जाती है। ये कितनी है तो ये हमारे पास हम जनरली इसको 75 mm एक तरफ से निकालते हैं, तो ये 75 mm इधर से 75 इधर से, तो टोटल जो है 150 हो रहा है और ये जो टोटल है ये 250 है। मतलब हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 250 प्लस 75 प्लस 75, बात समझ में आ रही है, 250 प्लस 150 हो रहा है ना। तो हमारे पास जो रेजिस्टिंग विड्थ आ जाएगी इसकी वो होगी 400 mm की अलोंग द x एक्सिस, ओके, हम अभी x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये 400 mm हमारे पास b आ गया। अब d तो हमें निकालना है इन सब चीजों को रखकर, चलिए बात करते हैं d की, हम अब d की बात कर लेते, चलिए d के लिए हमारे पास जो इक्वेशन या जो फॉर्मूला था वो क्या था, बेसिकली mu इज इक्वल टू 0.138 एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। डी को अगर हम यहां पर डी स्क्वायर को अगर हम यहां पर सब्जेक्ट बना ले तो mu डिवाइड बाय 0.138 एफ सी के बी, ये इक्वेशन हो जाएगा। और ये इक्वेशन आपको कहां दे रखा है तो आप इसको ढूंढ सकते हो SP16 यानी IS 456 1978, याद रखिएगा, उसमें पेज नंबर जो है आपका वो आपको 10 पे मिल जाएगा, टेबल दे रखा है बेसिकली एक वहां पर, ठीक है, टेबल नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन पेज नंबर ही है, ठीक है। तो डी है, अब यहां पर अगर स्क्वायर निकाल दे अंडर रूट हो गया पूरा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और इसे सॉल्व करते ही आपके सामने आपकी डी की वैल्यू होगी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास जो मोमेंट है वो कितनी है 792.48 इंटू 10^6 ये न्यूटन mm में कर दिया हमने इसको, सिक्स डिवाइड बाय 0.138 इंटू 20 FCK की वैल्यू 20, क्यों, क्योंकि हमें जो कॉन्क्रीट में ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज फुटिंग में ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज करना है वो M20 है और M20 यहाँ पर 20 उसका जो है स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, तो ये हो गया। और बी हमारे पास 400 mm, बस इसको कैलकुलेट कीजिए और इसको कैलकुलेट करते ही आपके सामने आपकी जो वैल्यू होगी डी की वो मैं आपको बता देता हूं अभी कितनी होगी, ठीक है, 847.2 mm, ये आपकी बेसिकली डेप्थ या बैलेंसिंग डेप्थ रिक्वायर्ड आ गई है। आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह का तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा या फिर जो बाकी हमारे प्लेटफॉर्म से या हैंडल से वहां से भी आप मुझे कमेंट करके या वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो अपने डाउट, ओके। चलिए तो ये हमने डेप्थ निकाल ली हमारे पास कि भाई जो डेप्थ हमारे पास आ रही है वो कितनी है 872। अब ये तो हमने सारी चीजें सारे कैलकुलेशंस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में किए, अब हमें एक बार और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी करना होगा। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें एम यू वाई निकालना होगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें डी वाई निकालना होगा या डेप्थ इन वाई एक्सिस निकालना होगा और उसके बाद फिर दोनों में से जो मैक्सिमम हो सकता है वो हम ओवरऑल डेप्थ कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अब वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन काम का है, थोड़ा सा इत्मीनान रखकर ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं
और जैसे कि मैं YouTube पर देख रहा हूँ तो ऐसी जो कंसेप्ट होते हैं छोटे छोटी चीजें बारीक बारीक चीजें वो आपको ज्यादातर लोग कवर नहीं करते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि सारी चीजें मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर दूं जितना बारीकी से हो सके उतना, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं MUY की, है ना। MUY के अंदर W into L square by 2 होगा अगेन। यहां पर W क्या होगा भाई, तो W की अगर बात करूं मैं तो देखिए दोबारा मैं आपको फिगर से ही बताऊंगा क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन समथिंग। ओके, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस था भाई साहब, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की, अब हम क्या कर रहे हैं वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रिप हमारी होगी वो ये वाली होगी अब जिसपे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और जो लेंथ होगी हमारी वो ये वाली होगी अब, ठीक है। ये एल होगा बेसिकली हमारा, दिस विल बी एल इन दिस एल, ओके। और डब्ल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो हमारे पास डब्ल्यू तो वही था, मतलब सिंपल अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर रखूँ तो 200 हमारे पास जो नेट अपवर्ड प्रेशर था कितना था 294.8, यस 294.8 इनटू यहां पर ये जो पूरी स्ट्रिप है ये कितनी है 3.45 की है, 3.45 की है, तो यहां पर हम इसको 3.45 रख लेंगे। ये W हो गया आपका, इनटू L यहां पर कितना है, तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं ये डिस्टेंस वही है जो X है, ये डिस्टेंस उतना ही है जितना X है, जो हमने यहां पर निकाला था X, यहां पर हमने कितना निकाला था 1.35 निकाला था, और हमने देखा था माना था कि भाई X जो है चारों तरफ से सेम रहेगा हमारे कॉलम के इर्द गिर्द, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 1.35 रहेगी एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपकी MUY की वैल्यू आपको सामने आएगी एंड दैट इज नथिंग बट 926.8 या 926.8 किलो न्यूटन इनटू मीटर। तो बड़ी सिंपल तरीके से बड़े सिंपल साधारण स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने MUY यानी मोमेंट इन y एक्सिस या y डायरेक्शन निकाल लिया हमने, ठीक है। ये यहां तक आपको क्लियर हो गई चीजें, आशा करता हूं कि क्लियर हो गई होगी, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके सवाल पूछ लीजिए आपके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सभी सवालों के जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये हमने मोमेंट निकाल लिया, अब इस मोमेंट को हमने निकाल लिया, अब हम इस एक्सिस के अलोंग हमारी डेप्थ को निकालेंगे कि भाई डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी है ना, वो भी जरूरी है। चलिए तो अब उसके लिए भी जो फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम यू वाई डिवाइड बाय 0.138 एफ सी के बी, दिस विल बी द फॉर्मूला जो हमने अभी अर्ली यूज किया, ठीक है। तो अब इसकी बात करें अगर हम, तो एम यू वाई कितना हमारे पास अभी आया था, जस्ट वो आया था 926.8 इंटू 10^6, ये कर दिया मैंने कन्वर्ट, डिवाइड बाय 0.138 इंटू 20 इंटू, हाँ यहां पर बी कितना होगा। अब देखिए बी के अंदर ये सवाल होगा आपका, देखिए क्योंकि हम सेक्शन की बात अलग कर रहे हैं, अब हम जो है बात कर रहे हैं वाई एक्सिस के बारे में, तो ये 750 है ना, वाई एक्सिस के अलोंग ये 750 है, प्लस ये 75 प्लस ये 75, तो अब यहां पर जो बी होगा वो कितना होगा, ये बी हमारे पास बेसिकली 750 प्लस 150 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 900 mm, है ना। ये कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो 900 यहां पर आपकी बी आ जाएगी, ये थोड़े से जो चेंजेस है इसके अंदर बदलाव है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, वो जरा उस पर आप फोकस कीजिएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज रख दी, इसको अगर डी को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए तो आपकी जो डेप्थ रिक्वायर्ड होगी वो 610.8 mm, ये आपकी डेप्थ रिक्वायर्ड है। अब देखिए एक तो डेप्थ आ रही थी एक्स एक्सिस के अलोंग जो कि हमारे पास कितनी थी 847 की आपके पास डेप्थ आ रही थी, 847 पॉइंट समथिंग था शायद, हाँ 0.2 था, ओके। तो एक ये डेप्थ है, एक ये डेप्थ है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम डेप्थ होगी उसके रिस्पेक्ट में आप कुछ हद तक ज्यादा डेप्थ कंसिडर कर सकते हो। तो यहां पर देखिए अगर आपकी डेप्थ बहुत कम आ रही है तो आप उससे 2 से 2.5 गुना ज्यादा कंसिडर कीजिए, लेकिन अगर आपकी डेप्थ इतनी या इसके आसपास आ रही है तो इससे कुछ ज्यादा आप कंसिडर करके चल सकते हो। आप यहां पर 1000 mm की डेप्थ कंसिडर कर सकते हो, आप यहां पर 1100 mm की डेप्थ कंसिडर कर सकते हो, आप यहां पर 900 या 950 या 1050 या 1150 या 1200, यू कैन कंसिडर द डेप्थ एज पर यूर कंसिडरेशन और एज पर यूर पॉइंट ऑफ व्यू। बट आगे जब हम डिसाइड करेंगे, जब हम शेयर चेक वगैरह करेंगे, तो आपको वहां पर तो वो सारी चीज समझ में आ ही जानी है कि भाई फेल हो रहा है या पास हो रहा है, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ इससे ज्यादा डेप्थ कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पर 950 mm डेप्थ कंसिडर करते हैं, लेट सपोज
हम यहाँ पर 950 mm की ओवरऑल डेप्थ कंसिडर करेंगे, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ, ये इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, ये ओवरऑल डेप्थ है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ओके, फिगर के माध्यम से बता दूं आपको मैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम किस डेप्थ की बात कर रहे हैं, है ना। बहुत लोग यहाँ पे नए भी होते हैं तो उन लोगों को समझ नहीं आता कि मैं किस कंपोनेंट की या किस डेप्थ की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो ओवरऑल डेप्थ है विच इज इक्वल टू 950 जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, आगे इसके अंदर इफेक्टिव डेप्थ भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके, इफेक्टिव डेप्थ वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने फिलहाल क्या किया है कि मोमेंट जो थी और जो डेप्थ थी वो दोनों दिशाओं में कैलकुलेट कर ली है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम इसके अंदर रेनफोर्समेंट के प्रोविजन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन मोमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें रेनफोर्समेंट एक्स डायरेक्शन में और रेनफोर्समेंट वाई डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू व्हाट एवर वी गॉट इन मोमेंट। ओके, तो देखिए रेनफोर्समेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो रेनफोर्समेंट डिपेंड करता है एमयू बाय बीडी स्क्वायर के रेशियो पर से, एमयू बाय बीडी स्क्वायर के रेशियो पर से आपकी पीटी की वैल्यू डिपेंड करती है और पीटी पर से आपका एएसटी डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक साइकिल है, ये एक चेन है इनकी। अब हमें पहले तो ये निकालना होगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद अब क्योंकि एमयू हमारे पास दो तरीके के हैं, एमयू हमारे पास एमयू एक्स है और एमयू वाई है, तो एमयू एक्स बाय बीडी स्क्वायर उसके अकॉर्डिंगली जो परसेंटेज ऑफ स्टील आएगा वो, और उसके अकॉर्डिंगली जो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो स्टील की जरूरत पड़ेगी वो निकाल लीजिए। सिमिलरली एमयू वाई यानी वाई डायरेक्शन में जो मोमेंट की वजह से जो परसेंटेज ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट है वो निकाल लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली फिर वाई डायरेक्शन में जो स्टील की जरूरत है वो प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एमयू बाय बीडी स्क्वायर का जो रेशियो है ये आपको दे रखा है एसपी 16 के अंदर पेज नंबर 48 के ऊपर। ठीक है, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है आई नो, बट ध्यान से सुन लीजिएगा, टॉपिक यहां पर अगर अधूरा रख दूं तो आपको सही से चीजें क्लियर नहीं होगी, इसलिए मैं अभी मोमेंट कैलकुलेशन हमने कर लिया, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे और बाकी की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट अभी फिलहाल प्रोवाइड कर देते हैं। तो रेनफोर्समेंट के लिए अगर बात करूं एमयू एक्स बाय बीडी स्क्वायर, है ना, एमयू एक्स बाय बीडी स्क्वायर, एमयू एक्स हमारे पास कितना था, अगर हम बात करें एमयू एक्स की तो एमयू एक्स हमारे पास कितना था, एमयू एक्स हमारे पास था 792.48, जी हाँ 792.48, राइट है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, 792.48। ओके ठीक है, ये हमारे पास था, इनटू 10^6 कर देता हूं, ठीक, डिवाइड बाय, अब बी और डी यहां पर क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी ओवर हियर। बी तो वही है जो हमारा रेजिस्टिंग सेक्शन था, वो जो हमने अभी निकाला था इसके अंदर एक्सकेवेट 250 प्लस 150 इज इक्वल टू 400, तो बी की वैल्यू तो यहां पर 400 क्लियर है, लेकिन ये जो डी है ना ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ होगा, ये dx की वैल्यू होगी। अब dx क्या है, कैसे हम निकालते, इस पे जरा एक बार हम बात कर लेते हैं। ये फुटिंग में दोबारा यहां पर ये जो है इसको ड्रॉ करता हूं, स्लोप एज, ये एज, ठीक, देखो यहां से जो है ना, यहां से हमारे पास जो हमने निकाला था 950 कितना था, 950। अब ये जो है ना ये हमारा बार है बॉटम का, ओके, और ये बॉटम बार है, हम एक्स की बात कर रहे हैं तो बॉटम बार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो बार है इसकी कुछ थिकनेस होगी, इसका डायमीटर होगा इस बार का, चलिए मान लेते हैं मैं इसको 3D में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, 2D में भेजू, तो ये हमारे पास इसका डायमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर है इसका। अब डायमीटर कितना, तो हम अभी फिलहाल कंसिडर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि भाई यहां पर इसका 12 mm का डायमीटर है। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ बेसिकली बॉटम से लेकर इस बार के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, मतलब यहां तक, बॉटम को माइनस कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए, इस बार के सेंटर से आ जाइए, बार के सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस, दिस विल बी द dx, व्हाट विल बी, दिस विल बी द dx। अब dx होगा कितना बेसिकली, तो 950 माइनस कवर हम देते हैं 50 mm का, माइनस हम यहां पर क्या करते हैं, इसके अंदर जो बार हमारा है वो 12 mm का है, तो उसके अंदर हाफ माइनस करेंगे तो उसका सीजी होगा 6 mm के ऊपर, तो माइनस 6 mm कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी डीएस की वो हो जाएगी 894 mm।
कितनी होगी 894 mm, सिंपल चीज है। तो ये हमने dx निकाला, नाउ दिस इज द d 894 mm, ये इसका डी स्क्वायर था ना, तो डी स्क्वायर हमने रख दी। बात समझ में आई, सिंपल है, आसान है, कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये dx है, dy भी इसी तरह से आगे में बताऊंगा आपको, ठीक है, इसी फिगर की मदद से। तो ये dx हो गया, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, अगर मैं इस रेशियो को निकालू तो 2.48 की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 2.48 आपकी वैल्यू आ रही है। अब टेबल में जाइए फटाफट, जो आपका टेबल है स्टील टेबल के अंदर, सॉरी SP16 के अंदर मैंने बताया आपको कि वहां पर पेज नंबर 48 है, जो कि FC के 20 के लिए दे रखा है आपको टेबल, तो वहां पर जाइए और MUX का ये जो MUX by BD का जो रेशियो है वो 2.48 है, 2.48 के मुताबिक वहां पर जो उसका कॉलम है पूरा उसमें देखिए कहां वैल्यू मैच हो रही है, नहीं हो रही तो इंटरपोलेट कीजिए, इंटरपोलेट करने के बाद या उसके वजह से वैल्यू निकालने के बाद आपके पास जो परसेंटेज ऑफ स्टील यानी पीटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास यहां पर 0.831। मैं इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत ज्यादा ही डिटेल में इसको बता दिया है, और इवन मैंने उसके अंदर आपको स्टील सॉरी हमारा जो कोड है उसमें जा जाकर वहां पर रो और लाइन को मैच करते करते सारी चीजें बताई है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया मैंने आपको। जो लोग ऑलरेडी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली तो वो जानते होंगे बखूबी, और जो लोग नए हैं मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पीटी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब यहां से हम आसानी से एएसटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एएसटी इज नथिंग बट पीटी डिवाइड बाय 100 इंटू बी इंटू डी, यही होगा हमारे पास पीटी, ठीक है। और ये क्या होगा बेसिकली, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 0.831 डिवाइड बाय 100 इंटू बी 400 इंटू डी 890, कितना 4। इसको कैलकुलेट किया जाए, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एएसटी आ रहा है वो आ रहा है 2972 mm², 2972 mm², ये आपकी जो है बेसिकली एएसटी रिक्वायर्ड है इस मोमेंट के लिए, इस डायरेक्शन के अंदर एक्स के अंदर, एक्स एक्सिस के अलावा जो मोमेंट के अकॉर्डिंगली जो वहां पर रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट है या एरिया रिक्वायरमेंट है स्टील का वो 2972 mm² है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपली यहां पर इसके अकॉर्डिंगली आप जो है नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर ऑफ बार कैसे प्रोवाइड करोगे, तो हमने यहां पर 12 mm के डायमीटर के बार प्रोवाइड कर रखे हैं, तो अब आपके पास ये एएसटी रिक्वायर्ड है, तो बेसिकली नंबर ऑफ बार का एक आपको मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ बार कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बार्स तो वो हम कह सकते हैं कि भाई टोटल एएसटी हमारा है 2972 डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब ये बार का स्क्वायर, बार का डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टोटल एएसटी डिवाइड बाय एरिया ऑफ सिंगल बार, टोटल एएसटी एरिया, टोटल एएसटी डिवाइड बाय एरिया ऑफ सिंगल बार, एरिया ऑफ सिंगल बार कितना है आपको पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सर्कुलर बार है हमारे और ये 200, तो इसके अगर आप कैलकुलेट किया जाए इसको कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास जो अंदाजन जो बार आ रहे हैं वो 27 नंबर्स ऑफ बार आ रहे हैं, ये राउंड अप करके मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप इसको एक्यूरेट कैलकुलेट करके आप देख सकते हो 27 नंबर्स ऑफ बार आ रहे हैं। हम क्या करेंगे बेसिकली यहां पर 27 नंबर्स ऑफ बार हम प्रोवाइड करेंगे 12 mm डायमीटर के 27 बार हम प्रोवाइड करेंगे एक्स एक्सिस के अलावा, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और हाँ, कुछ लोगों के डाउट ये भी होते हैं कि सर ये बार हम कभी इवन नंबर में ही, हम हमेशा इवन नंबर में रखते ऑड नंबर में नहीं रखते, लेकिन ऐसा कोई थंब रूल या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या ऐसा कोई आईएस कोडल प्रोविजन नहीं है कि आपको बार हमेशा इवन नंबर में ही लेने हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ स्टील एंड द स्पेसिंग ऑफ बार्स, ये डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए आपको इसमें कोई एडिशनल लॉजिक लगाने की या अपना सर घिसने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर ऑफ बार है उसको रखिए, स्पेसिंग बनाइए दे दीजिए वहां पे, इनफ है, ठीक है। तो स्पेसिंग आप कैसे करोगे आप लोग, तो सिंपल सी चीज है, मैं आपको स्पेसिंग के बारे में बता देता हूं, ठीक है, लेट मी शो यू द स्पेसिंग, ओके यही बता देता हूं, चलिए स्पेसिंग, क्योंकि हम अभी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का जो हमारे पास पूरी विड्थ है ना वो कितनी है 2.95 है, सॉरी, तो इसको mm में करवा सकते हैं हम लोग 2950, है ना। चलिए मान लीजिए कि ये हमारे पास टोटल जो है 2950 यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, हमारे पास यहां जो बार्स आ रहे हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो टोटल बार आ रहे हैं, ये आखिरी बार है इसका, 27 नंबर्स ऑफ बार है,
मान लीजिए ठीक 27 नंबर्स ऑफ बार हमारे पास, तो 27 नंबर्स ऑफ बार यहां पर है उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2950 तुम्हारे पास टोटल स्पान है जहां पर बार हमें रखने हैं, लेकिन इसमें से 50 mm कवर इधर से माइनस करना होता है, 50 mm कवर इधर से माइनस करना होता है, तो माइनस 100 कर सकता हूं मैं डायरेक्ट, 50 कवर इधर से 50 कवर इधर से, ओके ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है बार की, ये अगर पहला बार है मेरा याद रखिए, ये अगर पहला बार है तो इस बार के सेंटर से लेके ये आखिरी बार है तो इस बार के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, तो ये सेंटर से पहले पहले मेरे पास कवर है और इस बार का आधा डायमीटर भी तो है, कवर तो मैंने माइनस कर दिया, इधर का आधा डायमीटर होगा माइनस, इसको मैं अगर बहुत ज्यादा क्लियर करके आपको बताऊं, ये बार है ठीक है और ये सेंटर है इसका, तो ये सेंटर से देखिए ये जो मैंने ब्लैक कर रखा है ठीक है पूरा एरिया, ये माइनस होगा इधर से, सिमिलरली इधर से भी ये जो पोर्शन है उसका हाफ डायमीटर ऑफ बार वो माइनस होगा, बिकॉज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ओके स्पेसिंग, तो कितना होगा माइनस, अब ये कितना माइनस होगा, तो सिंपल सी चीज है देखिए, हमारे पास ये 12 mm का डायमीटर है तो 6 mm इधर से होगा माइनस 6 mm इधर से होगा, मतलब 12 mm होगा, तो टोटल 12 mm कर लीजिए डिवाइड बाय कितने स्पेसिंग, कितनी स्पेसिंग, हमेशा याद रखिएगा हम क्या करते हैं नंबर ऑफ बार माइनस वन, नंबर ऑफ बार माइनस वन हमेशा डिवाइड करते हैं, क्यों, इसका कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, दोबारा शॉर्ट में मैं जो है आपको रिपीट कर देता हूं कि हमेशा याद रखिएगा, ये मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लेट सपोज कि ये 8 bars है, 8 bars के लिए आपको स्पेसिंग निकालनी है, तो 8 bar के बीच में स्पेसिंग कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार 8 है लेकिन स्पेसिंग कितनी है 7 है, एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द कांसेप्ट बिहाइंड इट, कि हम यहां पर नंबर ऑफ बार माइनस 1 करते हैं, मतलब नंबर ऑफ बार मेरे पास 27 है तो यहां पर डिवाइड बाय 26 में करूंगा, बात समझ में आ रही है, बड़ी सिंपल सी चीज है, तो ये जो स्पेसिंग निकल कर आएगी इसके अकॉर्डिंगली वो होगी हमारे पास कितनी, दैट विल बी, अच्छा मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज 2950 माइनस 100 माइनस 12 डिवाइड बाय 26, तो ये 109.15 ठीक है, ये 109.15 आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, आप इसको यहां पर जो है एज इट इज प्रोवाइड कर दो या फिर 100 mm प्रोवाइड कर दो, दैट इज ऑल्सो इनफ, तो ये स्पेसिंग आ रही है, स्पेसिंग के अंदर हमेशा याद रखिएगा आपको IS कोड के एक चेक्स होता है यहां पर कि भाई IS कोड के अंदर क्या होता है कि 3D या फिर आपकी 300 mm, इन दोनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी उनसे बड़ा या उनसे ज्यादा आपका स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, सपोज कीजिए 3D, अब 3D क्या होगा यहां पर देखिए, डेप्थ बेसिकली क्या होता है ना, ये जो हमारी एज डेप्थ है ना, एज डेप्थ से इफेक्टिव डेप्थ, एज से इफेक्टिव, ये हमारी एज है बेसिकली, तो एज से इफेक्टिव डेप्थ ये हमारी इसमें इस केस में डी होती है, अब कितनी होगी ये डी बेसिकली, तो देखिए हम इसको जनरली हमने अब तक इसको कंसिडर नहीं किया है, बट वी आर कंसिडरिंग इट एज 230 mm, हम 200 से 230 mm इसको जनरली मानते हैं, ठीक है, तो 230 mm मान लेते हैं हम लोग कि भाई ओवरऑल जो इसकी एज थिकनेस है बॉटम वाली, ठीक है, ध्यान से देखिएगा वो कितनी है 230 mm, तो 230 का इफेक्टिव एज थिकनेस कितनी होगी, इफेक्टिव एज थिकनेस कितनी होगी, तो माइनस 50 बॉटम से कवर कर रहा हूं, ठीक है, माइनस बॉटम से 50 कवर माइनस, और ये जो बार है ये 6 mm का माइनस, तो 230 माइनस 50 माइनस 6, तो ये 162 समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, आपकी अगर मैं बात करूं तो 230 एक मिनट 230 माइनस 50 माइनस 6, अच्छा 174 आ रही है, सॉरी, तो 174 आपकी ये डी आ रही है बेसिकली, 174 ये डी है, तो 3 × 174 अगर करें हम लोग, 3 × 174 करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 522 आ रही है, तो देखिए 522 और 300 इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 300 है, मतलब IS कोड के मुताबिक इसमें जो छोटी वैल्यू मतलब 300 mm से ज्यादा आपकी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा हमारे पास जो स्पेसिंग है वो 109 है, विच इज टू मच लेस देन 300 mm, तो अब यहां पर ये स्पेसिंग बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या है कि भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने जो नंबर ऑफ बार प्रोवाइड की या स्पेसिंग प्रोवाइड की वो यहां तक तो बिल्कुल सही है और सेफ है, ओके इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी आशा करता हूं, लेकिन अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूंगा, बार बार ये चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कई लोग इससे इरिटेट ना हो जाए कि बार बार क्या एक ही बात रिपीट कर रहे हो, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर करना मेरे लिए उतनी ही जरूरी है, ठीक है, चलिए
तो इसको मैं, चलो ये बहुत ज्यादा डेंस फिगर हो गई थी। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, है ना, अब बात करते हैं हम वाई एक्सिस के अलोंग। सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल ही सेम प्रोसीजर, जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग किया वही चीजें आपको वाई एक्सिस के अलोंग कीजिए करनी है। तो इसमें मैं ज्यादा अपने शब्दों को आपके सामने नहीं बिखेरूंगा, बस कैलकुलेशन करूंगा। आप देखते रहिएगा कि एम यू वाई वगैरह क्या था हमारे पास, एम यू वाई क्या था हमारे पास, डायरेक्ट वही रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो एम यू वाई इज नथिंग बट 926.8 × 10⁶ कर देते हैं डिवाइड बाय बी, यहां पर 900 mm था हमने देखा विड्थ ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, इनटू डी यहां पर कितना था हमारे पास। तो ये अब बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास डी वाई है। अब डी वाई क्या होगा, चलिए मैं दोबारा फिगर ड्रॉ कर देता हूं, इसकी जरूरत तो होगी हमें, ठीक है, ये समझाना आप लोगों को जरूरी है, एज है। चलिए ये यहां से देखिए, ये आपका टॉप है, ये बॉटम है, ये टोटल 950 है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये मान लीजिए आपका बॉटम बार है, ओके, और ये उसमें टॉप बार्स। अब हम जो है इफेक्टिव डेप्थ लेंगे टॉप बार्स की, हम क्या लेंगे अब इफेक्टिव डेप्थ लेंगे टॉप बार्स की, मतलब यहां से इस टॉप बार के सेंटर से हम लेंगे, टॉप बार के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। कितना होगा, कैसे पता चलेगा हमें, तो देखिए सिंपल सी चीज है, 950 माइनस 50 mm कवर बॉटम मतलब बेस में से, माइनस ये पूरा बार माइनस होगा तो 12, माइनस ये आधा बार माइनस होगा -6, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 882 समथिंग आएगी, यस 882 आएगी, कितनी आएगी 882, बिल्कुल सही। तो 882 ये स्क्वायर है, ये कर लीजिए, तो ये आपके पास इसकी डेप्थ आ गई, इफेक्टिव डेप्थ अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो ये वैल्यू आ गई आपकी यहां पर कितनी, 1.32। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं पीटी की वैल्यू यहां रख देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीजें कर ली है, ठीक है, 0.399 ऑलरेडी, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है। एएसटी आपका आ जाएगा 0.399 डिवाइड बाय 100 इनटू बी आपके पास जो है 900 है, डी आपकी 882 स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास जो एएसटी आ रही है वो 3167 आ रही है, 3167 mm स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर 12 mm के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दीजिए, और कितने नंबर ऑफ बार हो गए तो डिवाइड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर दीजिए, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बार आपके पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर, दैट इज 28 नंबर ऑफ बार आ रहे हैं, 28 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर दीजिए। स्पेसिंग कितनी होगी, तो स्पेसिंग सिंपल सा वही चीज़ थी हमारे पास। अब हम क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस के अंदर हमारा जो लेंथ है वो 3.45 मतलब 3450 है, माइनस आप जो है इधर से 50 इधर से 50 100 माइनस कर दिया मैंने, इधर से हाफ इधर से हाफ, तो ये मैंने 12 माइनस कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाय 28 बार से तो 27 कर दीजिए। यहाँ पर जो भी आपकी स्पेसिंग आएगी उसको आप ले लीजिएगा, हाँ 10 समथिंग आपकी जो भी वैल्यू आ रही है, चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3450 माइनस 100 माइनस 12 डिवाइड बाय 27, ठीक है 27, तो ये 123 आप 120 रख दीजिए, 123 रख दीजिए, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो रख दीजिए, और देख लीजिए 300 mm से तो कमी है, तो फिर ये स्पेसिंग आपकी बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे आप मोमेंट के लिए या MUY, MUX उसके हिसाब से जो डेप्थ होती है वो, और उसके लिए जो रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं वो कैसे किए जाते हैं, ये हमने इस लेक्चर के अंदर बखूबी देख लिया है। हमने साइज देखी फुटिंग की, हमने उसके अंदर मोमेंट देखी, मोमेंट के द्वारा या मोमेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट लग रहे वो देखे हमने। अब हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम इसके अंदर डेवलपमेंट लेंथ की बात कर लेता हूँ मैं। डेवलपमेंट लेंथ की बात 47 इंटू डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, तो 47 इंटू डायमीटर ऑफ बार अगर बात करूँ मैं यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ की, तो ये हो जाएगा 564 की जरूरत है डेवलपमेंट लेंथ की। एंकरेज अवेलेबल कितना है, एंकरेज अवेलेबल कितना है, तो इसके लिए भी बहुत सारी सिंपल सी चीज़ है भाई, हमारे पास पता है कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1350 है, 1.35 था ना, 1.35 था एक्स डिस्टेंस बेसिकली, तो 1350 है, माइनस कवर कर दीजिए 50 mm का, तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, ये मैं बताता हूँ आपको, 13 अच्छा ये
ये मुझे देखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, 1300 आ जाएगा, ठीक है। तो 1300 mm मतलब 1300 एंकरेज लेंथ अवेलेबल है, लेकिन हमें वहां पर जरूरत कितनी 554 की, इसका मतलब सेफ है, अवेलेबल इनफ लेंथ है यहाँ पर। तो ये डेवलपमेंट लेंथ हो गया, एंकरेज लेंथ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम हमारे जो है वन वे शियर और टू वे शियर और लोड ट्रांसफर सेफली हो रहा है नहीं हो रहा है, डोवेल बार वगैरह, आगे की प्रोसीजर नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत जल्द आपके सामने आएगा, बहुत जल्द हम हमारे वीडियो हमारे चैनल के ऊपर उस लेक्चर को अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां पर हमें चैट से आप बात कर सकते हो। और ये सारी चीजें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को या कलीग्स या क्लासमेट से ग्रुपमेट से इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।